मैंने अपने पिछले वीडियो में ये गमला बनाना सिखाया था, नाप कर किस तरीके से हमको बनाना है ये गमला। तो मैंने ये लाइंस बनाई थी उस समय, मैंने उस समय मिटाई, अभी तक नहीं मिटाई है क्योंकि मुझे इसमें अभी आपको शेड करना सिखाना है। तो मुझे आशा है कि मैंने जैसे गमला बनाना सिखाया था, जो बिगनर्स हैं वो गमला बनाना सीख गए होंगे। मैं इसमें शेड करके दिखाती हूँ। पहले तो हम ये जो लाइंस हैं इनको मिटा देंगे। ये गमले को हमने जो लाइंस हमको नहीं चाहिए थी वो सारी की सारी हमें हटा ली हैं, और अब हम इस पेंसिल की जगह पर 6B की पेंसिल का यूज़ करेंगे इसमें शेड करने के लिए। शेड जो है वो डार्क आता है। 6B के अलावा और भी अच्छी अच्छी पेंसिल्स आती हैं, बट एज ए बिगनर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 6B की पेंसिल यूज़ करें। 6B की अगर पेंसिल नहीं मिल पाती है तो आप 4B की यूज़ कीजिए। शेड के लिए हमें 4B या फिर सबसे बेटर है 6B की पेंसिल, एज ए बिगनर आप यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें हम शेड स्टार्ट करते हैं। तो हम पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हैं कि इस उंगली का जोर प्रेशर यहाँ पर पड़े। हम इस तरह नहीं पकड़ेंगे, हम इसको इस तरह से पकड़ते हैं, और इस तरह से पकड़कर हम ताकि ये पूरी की पूरी नोट जो है ये पेंसिल की टच हो जाए हमारे पेपर पर। हम इसमें शेड स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर छोड़ते हुए इस तरह। फिर हम ये छोटा करते जा रहे हैं, फिर कहीं हम बड़ा कर रहे हैं, इस तरह से पूरे गमले में हम ये करेंगे। फिर ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ, नीचे की ओर लाते टाइम पे हम इसको छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे, और इस तरह से हम इसको पूरे में फैला देंगे। मैं उंगली का प्रयोग कर रही हूँ, आप उंगली की जगह पर इसमें रुई का यूज कर सकते हैं, रुई से इसे फैला सकते हैं, इसे कागज से फैला सकते हैं, कोई रफ पेपर निकाल लीजिए अपनी कॉपी से, कोई भी रफ कागज कहीं पे भी मिल जाए तो आप उससे भी इसको इस तरह से करके फैला सकते हैं। इसको हमें फैला देना है पूरी तरह से। ये हमने यहाँ पूरा सा फैला दिया। अब इसको फैलाने के बाद ये सब तरफ आपको दिखाई देगा। ये सब में आ गया है, अभी ये लगभग एक सा लग रहा है, इसलिए हम इसको फिर से एक बार शेक देंगे उसी तरीके से जैसे अभी हमने दिया था। ये हमने इसमें शेड कर दिया है। अब हमको इसमें ये तो हमने इसको छाया दी है, अब छाया तभी होती है जब प्रकाश होता है, तो हमें इसमें प्रकाश भी देना चाहिए। हमने हर तरफ बराबर शेड दिया है, बीच में थोड़ा कहीं पर कम किया है, यानी कि जो प्रकाश है वो बिल्कुल सामने से पड़ रहा होगा, सामने से प्रकाश पड़ रहा है, यानी कि यहाँ कहीं पर बहुत लाइट शेड होना चाहिए था, लेकिन हमने तो पूरा डार्क कर दिया है। तो उसके लिए हम रबर का यूज़ करेंगे और बीच के शेड को हल्का हल्का कम कर देंगे इस तरह से। बहुत हल्के हाथों से हमको इस तरह से रबर को चलाना है, और देखो बीच का शेड जो है वो हल्का होता जा रहा है। रबर पर आ गया है सारा शेड, लेकिन हमने इसे पूरी तरह से मिटाला नहीं है। देखो काफी लाइट हो गया ये। अब क्या करना है, आपको प्रकाश और दिखाना भी है, तो हम इसमें इस तरह से लाइन बना देंगे हल्का सा घुमाते हुए, ठीक है। अब गमले की बात यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे किस तरह से हमको शेड देना है। तो क्योंकि शेड पड़ रहा है सामने से, तो दोनों के साइड, दोनों ही साइड जो है वो ज्यादा डार्क होंगी, और जो मिडिल वाला भाग है, बीच वाला जो भाग है, वो थोड़ा सा लाइट होगा। ये ध्यान रखते हुए हमें इसमें शेड देना है। तो हम पहले इसकी जो ये मोड़ है इसके ऊपर शेड दे लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जिस तरह से लाइन आई है उसी तरीके से घुमाते हुए शेड देंगे। फिर अंदर की साइड में जब हम शेड करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जिस साइड से लाइट पड़ती है उस साइड में अंधेरा होता है,
और जिस साइड में लाइट नहीं, जिस साइड से नहीं पड़ रही होती है उस साइड में उजाला होता है, क्योंकि उसी साइड पर लाइट पड़ती है जब भी हम किसी ऐसे मुंह वाली कोई चीज बनाते हैं। तो हमने लाइट डाली है सामने से, यानी कि ये वाला जो भाग होगा गमले का वो अंधेरे में होगा, है ना। तो पर हमें इस बड़ी साइड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, हमें दिख रही है सामने वाली दीवार, यानी कि ये पूरी तरीके से लाइट में होगी। तो इसमें भी हम शेड ऐसे ही करेंगे, साइड से डार्क रखेंगे और बीच में लाइट रखेंगे। तो हम यही करते हैं इसमें भी। तो भी हम फैला देंगे, पूरा फैला देंगे और फिर वापस हमको वही करना है, डार्क कर देना है कोनों से। फिर हम वही काम रबर से करेंगे, यहाँ पर लाइट के लिए हम इसको इस तरह से रब कर देंगे और ऐसे ही यहाँ। अब जैसा गमले की शेप जा रही होती है हमें उसी तरीके से ये लाइट भी देनी होती है। अब ये शेप जो जा रही है यहाँ पर गोलाई में जा रही है, तो हम यहाँ पर शेप जो प्रकाश देंगे, लाइट देंगे, वो भी ऐसे ही देंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, और ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, जितना जितना भी डार्क होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा शेड कर पाएंगे। जब ये शेड हम पूरा कर लेंगे उसके बाद जो इसकी आउटलाइन से देखो आपको दिखना थोड़ी सी बंद हो गई है, तो हमें पेंसिल को अपना पूरी तरीके से शार्प रखना है। शार्प रखने के बाद ये जो आउटलाइन है इनको हमें दोबारा से बनाना है, तो हम इनको बना लेते हैं। गमले का शेड पूरा हो गया, अब साइड में जो गंदगी है बस हमें उसको साफ कर देना है। ये हो गया हमारे गमले में शेड, और मैं आशा करती हूँ आप इससे भी ज्यादा अच्छा शेड कर पाएंगे। एक चीज और, हमने यहाँ सामने से शेड दिया है तो इसकी जो परछाई है वो इसके पीछे पड़ रही है, तो इसलिए मैंने उसको शो नहीं किया है। अगर हम साइड से शेड देते हैं तो हम यहाँ पर लाइट रखते हैं और यहाँ डार्क रखते हैं, और उसका जो लाइट का इफेक्ट पड़ता है उसका शेड इस तरफ पड़ता है, तो हम यहाँ पर नीचे भी इसके लिए शेड देते हैं। अगर लाइट को हम इस तरफ से डालते तो यहाँ पर हम शेड देते। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब लाइट इधर से पड़ेगी, इस साइड से, यानी कि सीधी तरफ से पड़ेगी, हमारे सीधे हाथ की तरफ से पड़ेगी, तो हम अपने बाएं हाथ की तरफ का जो हिस्सा है इसको लाइट रखेंगे, अंदर वाला। बाहर वाला तो हम यहाँ पर लाइट रखेंगे सीधी तरफ, लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम बाईं तरफ को लाइट रखेंगे और दाईं तरफ को डार्क रखेंगे। जब लाइट बाईं तरफ से पड़ेगी तो हम अंदर वाले हिस्से के दाईं तरफ को लाइट रखेंगे और बाईं तरफ को डार्क रखेंगे, जबकि बाहर वाले बाईं तरफ को लाइट रखेंगे और दाईं तरफ को डार्क रखेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आशा करती हूँ सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, और जो बाकी के दो तरीके मैंने बताए हैं उसी तरीके से शेयर करके देखना, ओके।